सेक्स लाइफ में या सेक्स प्रॉब्लम्स में बुल के बारे में काफ़ी बार चर्चा होती है, उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बुल क्या होता है? तो बुल वो व्यक्ति को कहते हैं सेक्स के यह परिभाषा में, कि जो पुरुष है और वह पुरुष एक स्त्री के लिए उपलब्ध है उसके हस्बैंड के मर्जी से। अब देखिए क्या है, तो कपल है, पति पत्नी है। ये कपल में पति चाहता है कि अपने पत्नी का और कोई गैर आदमी के साथ में सेक्स होए, और वो होते हुए उसको बहुत मजा आती है, वो देखते हुए उसको मजा आएंगी या इमेजिन करते हुए मजा आएंगी, उसको फैंटेसाइज करते हुए उसको मजा आती है। तो ये जो है, ये इसको, ये जो व्यक्ति है जिसको मजा लेना है, ऐसी कुकोल बोलते हैं उसको, मतलब ये जो पति है उसको कुकोल बोलते हैं, और वो बुल को हायर करता है, हायर करेगा या फ्री में मिलाएगा। तो बुल कौन है? कि बुल ऐसा तीसरा व्यक्ति है कि जो व्यक्ति ये कुकोल जो है, मतलब ये पति है, इसके पत्नी को वो सेक्सुअली सेटिस्फाई करेगा, और वो सेटिस्फाई करने के लिए ये पति ही उसको बुलाता है, पति की रिक्वेस्ट है, और साथ साथ ये जो पति है ये अपने पत्नी को भी हाँ बोलने में मजबूर करता होगा या उसको फोर्स करता होगा या उसको मनाता होगा। अब इसमें क्या है कि ये बुल जो है ये कुछ पैसा लेता नहीं है, ये अच्छा आदमी रहता है, समाज में प्रतिष्ठित है, उसकी आइडेंटिटी बाहर किसको मालूम नहीं है, ऐसा लगता है कि ये तो इनका फैमिली मेम्बर है, आना जाना चलता है, बहुत ही क्लोज है, ये भाभी भाभी करके बाहर पुकारेंगे, इनको लगता है कि वाह क्या क्लोज है, मगर इनका अंदर से रिश्ता क्या है किसी को मालूम रहता नहीं है। ये जो बुल है, जो तीसरा व्यक्ति बाहर का है, ये कोई पैसे के लिए ये करता नहीं है, मगर उसको इनके अभी बहुत अंदर तक घुसा हुआ है, इनके प्राइवेट लाइफ में घुसा हुआ है, पर्सनल लाइफ में घुसा हुआ है, इमोशनल लाइफ में घुसा हुआ है, इमोशनली बहुत बॉन्डेड है, और ये तीनों को ये बात मालूम रहती है, बाकी किसको मालूम रहती नहीं है। फिर ऐसा अभी आपको सवाल आएगा कि ऐसा क्यों करते लोग? तो ये जो पति रहता है, कुकोल बोलते हैं उसको, तो ये एक ऐसा व्यक्ति है, ये सेक्सुअली एवर्स है। सेक्सुअली एवर्स मतलब ये सेक्सुअल फैंटासी उसको पसंद आती है, और उसको सेक्सुअली फैंटासी या उसको ये सेक्स पसंद आता है कि भाई अपनी बीबी और कोई मर्द के साथ में सेक्स करेगी तो उसको मजा आता है। अब ये सेक्सुअल परवर्शन है, और है तो सही मगर लोग करते भी है। फॉरेन कल्चर में ये बहुत बार दिखाई देता है, हमारे देश में बहुत कम है, मगर मेरे पास में लोग आते रहते हैं और इसके बारे में चर्चा करती है, करते रहते हैं और पूछते रहते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। मेरा कोई ये करो या ना करो उसमें मेरा कोई अधिकार नहीं बोलने का, करना कि नहीं करना, अच्छा बुरा इसमें मैं नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ बताऊँगा कि होता क्या है। तो ये बुल जो है, ये बाहर का जो व्यक्ति है उसको सेटिस्फाई करना है, दोनों को, पति को भी करना है, पत्नी को भी करना है। फिर कैसा दिखना चाहिए? अच्छा आदमी दिखना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, ये वो जो स्त्री है उसको पसंद आना चाहिए, क्योंकि उसको अल्टीमेटली पत्नी ने भी तो हाँ बोलना चाहिए, या तो कोई भी ऐसा हैरा गहरा नथू गहरा कोई लाएगा कि भाई चल इसके साथ में सेक्स कर, तो वो पत्नी नहीं बोलेगी, तो उसको आकर्षक दिखना चाहिए, उसको पसंद आना चाहिए, और मतलब दिखने में अच्छा है, टॉप टिप है, अच्छी पर्सनैलिटी है, तो इम्प्रेसिव है, और वो ऐसा कोई पीछे पड़ने वाला व्यक्ति नहीं होना। समझो अभी वो एक बार तो आ गया है, उसने एक बार सेक्स कर लिया, मगर अभी वो बार बार फोन करेगा, इनके पीछे पड़ेगा तो भी नहीं चलेगा, फिर बोलेंगे यार एक बार बुला लिया तो ये बार बार कर रहा है तंग, तो भी नहीं होना। मतलब उसने अपने लिमिट में रहना है, वो जो बुल है उसको उन्होंने फोन जब करेंगे तब जाना है, ये जो पति पत्नी फोन करेंगे तब जाना है, ऐसा नहीं कि ये बुल उनको फोन करेगा कि मैं आऊँ क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बुल फोन करेगा तो फिर उनको चिढ़ आ जाएगी कि ये कभी भी फोन करते हैं, हमारी तो इच्छा ही नहीं है। तो उसने अपने आप को एक लिमिट में रखना है, पैसे के लिए करता नहीं है, मगर इसकी जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां ऐसी है कि उसने पत्नी को भी सेटिस्फाई करना है, क्योंकि वो नहीं बोलेंगे अगले बार कि मुझे मजा नहीं आया या मुझे अच्छा लगा नहीं, तो वो ना बोलेगी, तो उसको भी सेटिस्फाई करना है, और उसके साथ साथ ये पति जो है उसको भी सेटिस्फाई करना है। अब ये कुकोल जो है पति, वो हो सकता है कि वो छेद में से देखेगा कि क्या चल रहा है, या कमरे के बाहर बैठेगा और देखेगा कि बाहर बैठेगा और सोचेगा कि ये क्या अंदर कर रहे हैं, बाहर बैठ के वो मास्टरबेट कर सकता है, या ऐसा भी हो सकता है एक्सट्रीम केस में कि वो अंदर ही बैठा हुआ है और बोलता है मेरे सामने तू कर, और हो सकता है कि वो बुल जो है उनके सामने सेक्स करेगा और उसको मजा आएगी। तो ऐसे कई अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और इसमें फिर वो बुल अपना काम करते रहता है। बुल की जिम्मेदारियाँ के साथ साथ उसको ये भी है कि वो बुल कभी कभी इनको ब्लैकमेल कर सकता है, क्योंकि उसको बहुत सारा इनका मालूम है, तो बुल ऐसा व्यक्ति को चुनना इनको पड़ेगा, ये पति पत्नी को, कि भाई वो एकदम बहुत ही क्लोज है, बाहर कुछ बोलेगा नहीं, बाहर चर्चा करेगा नहीं, इनके घर की बहुत सारी बातें इसको मालूम रहती है तो वो नहीं बोलेगा। तो एक जिम्मेदार व्यक्ति भी होना चाहिए कि जो ऐसा, मतलब बहुत ही चिल्लर है, चीप है, ऐसा भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए,
और जो व्यक्ति अपने मतलब स्टेटस में है क्योंकि वो पैसे के लिए भी नहीं कर रहा है, हो सकता है कि वो पैसे भी खर्चा कर सकता है कि उसको भी मजा अल्टीमेटली आ ही रहा है। तो ये बुल और ये कुकोल्ड और ये जो पत्नी है उसको बोलते हैं हॉट वाइफ। तो ये ट्रायंगल है, बुल, कुकोल्ड और हॉट वाइफ, और ये ट्रायंगल में ये काम होते रहता है। अपने देश में तो बहुत कम है मगर मेरे पास में लोग आते हैं करके हमें पता चलता है। और ये सेक्सुअली एवर्शन है। फिर ये पत्नियाँ क्यों तैयार होती है, ये स्त्री जो है वो तैयार क्यों होती है? अब मैं जब उनको पूछता हूँ कि फिर आप क्यों तैयार है भाई ऐसा करने के लिए, तो पहले पहले तो उसको मज़ा नहीं आती है, मतलब वो एकदम ऑर्थोडॉक्स होंगी तो वो नहीं बोलेंगी। मगर पति फिर उसको बहुत फोर्स करता है, कभी कभी उसको मनाता है, कभी कभी मारपीट करेगा, कभी वो पत्नी बोलती है कि ठीक है भैया, अब ये बोल ही रहा है कि उसको वैसी मज़ा नहीं आ रही मेरे साथ में, तो ठीक है मैं करूँगी। मतलब वो कुछ लेडी जो है वो मजबूरी में करती है, कुछ लेडी जो मारपीट करेगा अपने को हकाल देगा अपना पति इसलिए करती है। और एक बार चालू हो गए तो उसको भी बाद में मजा आना चालू हो जाता है क्योंकि उसको उसकी लत लग जाती है, तो बाद में फिर अपने मजे के लिए भी वो करती है। तो अनेक कारण उसके हो सकते हैं। तो यह है बुल, कुकोल और हॉट वाइफ, इनका ट्रायंगल और उसके बारे में जानकारी। इसमें मेरा ऐसा कुछ मकसद नहीं कि ऐसा करो या ना करो, अच्छा है बुरा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। मैंने एक जानकारी देने के लिए वीडियो तैयार किया है, ये सिर्फ आपको जानकारी होनी चाहिए। और यदि ये है और इसमें यदि पत्नी एंजॉय नहीं कर रही है और उसके ऊपर फोर्स हो रहा है, तो वो डेफिनेटली कंसल्टेशन ले सकती है सेक्सोलॉजिस्ट का, ताकि वो अपने हस्बैंड को ठीक करे, क्योंकि ये फैंटासी है, फैंटासी में वो जीता है, उसको उसमें मजा आती है, उसको उसमें सेक्स का एंजॉयमेंट, एक्साइटमेंट उसको होता है कि और कोई व्यक्ति अपने पत्नी के साथ में कर रहा है, उसमें उसमें मजा आ रहा है, तो ये सेक्सुअल परवर्शन है, तो वो उसके लिए इलाज कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।